हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमें अपने डेली सेगमेंट टुडे टॉक्स ऑन पेनी स्टॉक्स, तो इसमें हम बात करते हैं एफसीएफ सॉफ्टवेयर के बारे में। फर्स्ट पे एफसीएफ सॉफ्टवेयर रहने वाला है, तो आज का इसका लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं जो 3:30 बजे था वो 4.45 रुपये था, एंड अराउंड 5% की बढ़त के साथ ये बंद होता है। एंड डेली के डेली इसमें काफ़ी दिनों से अपर सर्किट्स में, एंड आज भी इसमें अपर सर्किट्स यहाँ लगा हुआ था। एंड आज का वॉल्यूम तो इसमें आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा वॉल्यूम है, ये निकल के आया है आज के दिन। अब एंड 100% डिलीवरी थी। आज का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 3 करोड़ क्वांटिटी का वॉल्यूम है, एंड उसमें से पूरे के पूरी की डिलीवरी डेली के डेली उठाई जा रही है। ओके, एंड काफ़ी दिनों से इसमें अपर सर्किट लग रहा है, एंड हम काफ़ी दिनों से इस शेयर की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं डेली बेसिस पर। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन फिर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, यदि हम सेकंड शेयर की बात करें तो सेकंड शेयर यहाँ पे होने वाला है सिटी नेटवर्क। सिटी नेटवर्क का भी आज यहाँ पे अपर सर्किट रहा है, एंड पूरे दिन भर ये भी अपर सर्किट्स में रहा है। मैंने कल के दिन भी ये सब बताया था कि अगेन ये अपर सर्किट्स में रहने वाले हैं, तो ये अपर सर्किट्स में अभी भी चल रहे हैं, इसका टारगेट अचीव होने वाला है। एंड मैं आपको टारगेट्स की भी बात बताऊंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में डालोगे क्वेरी तो मैं आपको लास्ट वीडियो बना के जाऊंगा एंड आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, यदि यहाँ पे आज की डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो आज के दिन इसका भी वॉल्यूम कोई कम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था, 1 करोड़ का क्वान्टिटी का वॉल्यूम था, एंड पूरे की पूरी की यहाँ पर डिलीवरी उठा ली गई है। ओके, यदि वोडाफोन आइडिया की यहाँ पर बात करें तो वोडाफोन आइडिया भी आज के दिन यहाँ पर रॉकेट बना हुआ था, एंड 5% की इसमें तेज़ी थी। 14.45 रुपये के साथ ये लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे ये बंद होता है, एंड 5% की तेजी इसमें देखने को मिलती है। ओपन तो ये 13.75 रुपये के साथ होता है, देन फिर उसके साथ ये स्टार्टिंग में तो स्लो डाउन आप देख सकते हैं यहाँ पे चलता रहता है, एंड देन ये अपनी यहाँ पे 2 बजे एक बहुत बड़ी अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, फिर थोड़ी सा यहाँ पे लो होता है, एंड फिर ऊपर भाग ही जाता है। एंड ये अपना जो हाई बनाता है यहाँ पे 14.80 रुपये का बनाता है, देन फिर उसके बाद ये अपना गिर के लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर 14.45 रुपये के साथ बंद हो जाता है। आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम है, आप यहाँ पे शो कर पा रहे होंगे 45 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम है। एंड देन देख सकते हैं डिलीवरी की भी बात कर लेते हैं, तो डिलीवरी कल से काफ़ी बड़ी डिलीवरी है, तो आज के दिन ये पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिला है, एंड अगेन इसमें देखने को आगे भी मिल सकता है। ओके, टेक्निकल एनालिसिस से जैसे हम बात करते हैं, बट आई एफ सी आई शेयर की बात करें तो कल के दिन तो ये 10% यहाँ पर भागा हुआ था, बट आज के दिन इसमें गिरावट रही, 4% की गिरावट रही। ये ओपन तो ठीक ठाक प्राइस पे होता है, 17.40 रुपये के साथ ओपन होता है, देन फिर ये अपना स्टार्टिंग से ही गिनना स्टार्ट हो जाता है, एंड ये अपना लो बनाता है 12:30 बजे के आप समथिंग बनाता है 16.55 रुपये, बट अपने लो से थोड़ी सा उठ के 16.70 रुपये के साथ बंद हो जाता है। यदि इसकी आज की डिलीवरी की बात करें तो आज की इसकी डिलीवरी काफ़ी कम थी, एंड वॉल्यूम भी कल से आप देख सकते हैं काफ़ी कम ही वॉल्यूम था। यदि आप ट्रेडिंग टाइम पर देख सकते हैं तो आप NSE BSE की साइट्स पर जाकर वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, यदि वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस शेयर में जब भी वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिला है तो ये शेयर अपने अपवर्ड मूवमेंट के साथ रहता है, बट आज का वॉल्यूम भी इसमें कम था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीवरी भी काफ़ी कम थी कल से, तो कल तो 2 करोड़ की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई थी, बट आज यहाँ पे 80 लाख की डिलीवरी उठाई, बट परसेंटेज वाइज आज की डिलीवरी थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कल के दिन यहाँ अपवर्ड मूवमेंट अगेन देखने को मिले, जैसा टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ रहा है। ओके, यदि हम सिंटेक्स प्लास्टिक की बात करें तो सिंटेक्स प्लास्टिक का जो लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर जो शेयर प्राइस निकल के आया वो 13.55 रुपये निकल के आया, एक छोटी सी गिरावट रही 1% की, एंड ये अपने लास्ट ट्रेडिंग टाइम पर 13.55 रुपये के साथ बंद होता है, स्टार्टिंग से ही गिरना स्टार्ट हो जाता है, एंड अपना यहीं पर 11 बजे अपना यहाँ पर लो बनाता है। इसका जो लो बनता है वो 13.35 रुपये बनता है, फिर यहाँ पर थोड़ी सा अपवर्ड जरूर जाता है, लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे 13.55 रुपये के साथ बंद हो जाता है। ओके, यदि इसकी डिलीवरी पैटर्न की बात करें तो कल से डिलीवरी इसकी परसेंटेज वाइज तो कम है, बट यहाँ वॉल्यूम वाइज देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, 85 लाख की है, एंड इसमें यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, डिलीवरी भी ज़्यादा है, तो कल हो सकता है कि ये यहाँ से, तो यही समझ में आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड में जाने की इसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं। ओके, यदि HFCL की बात करें तो HFCL का भी शेयर कल के दिन भागा हुआ था, बट आज के दिन यहाँ पर हल्की सी गिरावट रही, 0.25 पैसे की यहाँ पे गिरावट जरूर देखी गई है आज के दिन, एंड ये लास्ट ट्रेडिंग टाइम पे 80.35 रुपये के साथ बंद होता है। यदि आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज का वॉल्यूम यहाँ ठीक ठाक वॉल्यूम रहा है, 1 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम रहा है, बट डिलीवरी की बात करें तो थोड़ी कम डिलीवरी देखने को मिली है इसमें, तो ये थोड़ी डाउन ट्रेंड में जाने के इसके चांस बन रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से, जैसा कि समझ आ रहा है। ओके, यदि आप वीडियो में यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।